वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये चिकन कबाब बनाते हैं। इसको मैंने स्क्यूअर्स पे बनाया है। सबसे पहले 450 ग्राम हमने चिकन ब्रेस्ट ले लिए, उसको बस क्यूब्स में हम काटेंगे। काट के जैसे ही वो रेडी हो जाते हैं तो उसमें उसको धो के वॉश करके साइड पे कर लिया। अब मैरिनेशन के लिए दही लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके और बाकी सारे स्पाइसेस डाले। अब स्पाइसेस में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स इस पर डाल दिए और थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन की एक चम्मच, बाकी ऑलिव ऑयल और सिरका डाल के और पेपरिका डाल के और इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके और इसके अंदर हमने चिकन को मिला के उसको मिक्स करके और उसको मैरिनेशन के लिए हमने रख देना है। मैरिनेशन तकरीबन हमने इसको कवर करके फ्रिज में एक घंटे के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर सारे मसाले जज्ब हो जाएंगे। तो फिर हम इसको स्क्यूअर्स पे लगाना शुरू करेंगे। अब चाहे तो आप इसको ओवन में बेक कर लें, चाहे आपको एयर फ्रायर में इसको कर लें। मैंने इसको तवे पे पकाया है। जैसे ये सारे हमारे स्क्यूअर्स तैयार हो जाते हैं तो हमने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला है और उस पर इन सबको रख के और दोनों साइड से हमने इसको पका लेना है। आँच यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम आँच पे। जैसे ही तवा गर्म हो जाए मीडियम आँच पे, और थोड़ा सा पेपरिका का इस्तेमाल मैंने किया ताकि इसका कलर थोड़ा खूबसूरत सा आ जाए। बस अब ये तैयार है और इनको सैलेड के साथ आप सर्व करें और इन्जॉय करें। ये देखें बिल्कुल बहुत ही जूसी और कितने सॉफ्ट, कितने अच्छे से बने हैं। ख़ुद भी बनाएँ, फैमिली को खिलाएँ और दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।